हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में। और लंग कैंसर के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मुर्तज़ा बोहरा, जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो कि आज हमको लंग कैंसर के बारे में बताएंगे, जिनसे आज हम जानकारी लेंगे कि लंग कैंसर क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, साथ ही इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी इनसे आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वेलकम सर, वेलकम ऑन फिजियो टॉक। हेलो हेलो एवरीवन। सर, आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि लंग कैंसर क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है जो कि लंग्स की सेल से ओरिजिनेट होता है और बाकी दूसरे ऑर्गन्स में फैलने की टेंडेंसी रखता है, जैसे कि लिवर, बोन, ब्रेन एंड एड्रिनल्स। मेनली लंग कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस कफिंग, लगातार खांसी आना, खांसी के अंदर खून के कण दिखाई देना, दम लगना, सांस फूल जाना, चलते समय थकावट महसूस करना, छाती के अंदर दर्द रहना, ये बहुत कॉमन सिम्टम है लंग कैंसर के। लंग कैंसर के अगर हम कारणों की बात करें तो लंग कैंसर होने के कारण क्या होते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं? अगर लंग कैंसर के कारणों की बात की जाए तो सबसे मेन और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है लंग कैंसर के लिए वो है स्मोकिंग हिस्ट्री। लगातार धूम्रपान करना, लंबे वर्षों तक धूम्रपान करना, टोबैको रिलेटेड अदर प्रोडक्ट का सेवन करना, ये लंग कैंसर का मेन कॉजेटिव फैक्टर है। दूसरे कारण जैसे कि एयर पॉल्यूशन एंड अनदर इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, दैट मीन्स डीएनए में कुछ त्रुटि आ जाना, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो इसके अंदर लंग्स के जो सेल्स है उसके डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, जिससे काफ़ी वो कैंसर के अंदर तब्दील हो जाती है। ये बहुत रिसेंटली अभी मॉलिकुलर स्टडीज होने लगी है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा म्यूटेशन की वजह से लंग कैंसर हुआ है। सर, अगर हम लंग कैंसर के डायग्नोसिस की बात करें तो किस तरीके से लंग कैंसर का पता लगाया जाता है कि किसी इंसान को लंग कैंसर हुआ है या नहीं हुआ? मेनली रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड द पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत ही की फैक्टर है लंग कैंसर के डायग्नोसिस के लिए। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, अब नए रिसेंटली पेट स्कैन, ये बहुत एडवांस टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग छोटे से छोटे ट्यूमर को भी जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। बट किसी भी कैंसर का गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस इज बाय ओनली पैथोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, दैट मीन्स बायोप्सी या परक्यूटेशनल नीडल डाल के बायोप्सी की जाती है, कभी ब्रोंकोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी की जाती है। उसको टिश्यू को हम लेबोरेटरी में भेजते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा लंग कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है और जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट जो चलता हुआ आ रहा था इसका और अभी जो रिसेंट एडवांसमेंट आए हैं उसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है और किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करने की जो वे होता है वो क्या रहता है आपका स्टेप कि इस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया जाए? जैसे कि आपने ट्रीटमेंट की बात करी तो ट्रीटमेंट स्टार्ट विद द मैनेजमेंट, दैट मीन्स कम्स अर्ली डायग्नोसिस फॉलोड बाई ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कैंसर की स्टेज के ऊपर। अगर जिस तरह से हम सभी दूसरे अगर कैंसर्स के मेनली कैंसर्स की बात करते हैं तो लंग कैंसर में भी चार स्टेजेस होती है, स्टेज वन टू स्टेज फोर। स्टेज वन और टू, जिसे कि हम लोकलाइज्ड कैंसर बोलते हैं, ये इसमें काफ़ी हद तक ट्यूमर फेफड़ों के अंदर ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है। स्टेज थ्री, जिसे कि हम लोकली एडवांस लंग कैंसर कहते हैं, इसमें लंग के अलावा जो कैंसर सेल्स हैं वो लिम्फ नोड्स या फिर लसिका ग्रंथि तक स्प्रेड हो चुका होता है। फोर्थ स्टेज, जिसे कि हम मेटास्टैटिक कैंसर भी कहते हैं, इसमें लंग के अलावा सेल्स का दूसरे ऑर्गन्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मोस्ट कॉमन इज लीवर, बोन्स, ब्रेन एंड एड्रिनल, यानी कि किडनी के ऊपर की जो ग्रंथि होती है वहाँ पर, इन सब जगह पे ये कैंसर स्प्रेड हो चुका है, जिसका हम मेटास्टैटिक लंग कैंसर कहते हैं। अब जो ट्रीटमेंट, जैसे कि आपने बात करी कि क्या क्या ट्रीटमेंट के मोड्स हैं और किस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, प्राइम जो लंग कैंसर के ट्रीटमेंट की विधि है इट इज़ सर्जरी। तो लोकलाइज कैंसर में हम यह कोशिश करते हैं कि सर्जरी के द्वारा जो भी सेल्स डैमेज हो चुकी है या फिर जो जितना ट्यूमर जनरेट हो चुका है उसको कम्प्लीटली रिमूव किया जा सके। अगर कैंसर को हम कम्प्लीटली रिमूव कर पाते हैं तो दिस इज़ द मोस्ट
अचीवेबल गोल। अगर किसी कारण से ऐसा लगता है कि सर्जरी के द्वारा पूरी तरह से कैंसर को रिमूव नहीं किया जा सकता, तो जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, इट इज रेडियोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी कॉम्बिनेशन इज फॉर मेनली फॉर स्टेज 3 ऑनवर्ड्स कैंसर्स, यानी कि लोकली एडवांस कैंसर में हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। मेटास्टेटिक लंग कैंसर की बात करें अगर हम, तो इसमें ट्रीटमेंट का जो मेन मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है, इट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के द्वारा पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जाता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाता है और उनको सिम्टम फ्री या सिम्टम्स को कम करने की कोशिश की जाती है। तो एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ट्रीटमेंट में काफ़ी एडवांसमेंट आया है, स्पेशली अगर हम लंग कैंसर की बात करें। नाउ दिस इज द एयर ऑफ पर्सनलाइज मेडिसिन, दैट मीन्स कि जिस तरह का, जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि लंग कैंसर का एक मेन कॉज जेनेटिक म्यूटेशन भी होता है, तो अगर हम इस मॉलिकुलर मेथड के द्वारा म्यूटेशन को डिटेक्ट कर पाए तो उसके लिए हमारे पास टारगेट थेरेपी अवेलेबल है। कीमोथेरेपी एक इज ए ब्रॉड टर्म, तो जैसे कि समाज में कीमोथेरेपी के बारे में बहुत धारणा व्याप्त है कि बहुत टॉक्सिक होती है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, तो अभी ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी के अंदर सब डिविजन्स हो गए हैं, जैसे कन्वेंशनल कीमोथेरेपी, आपने बात करी कि पारंपरिक जो ट्रेडिशनल वे थे कीमोथेरेपी देने के, अभी टारगेट थेरेपी मार्केट में अवेलेबल है। देन रिसेंटली इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है। तो टारगेट थेरेपी मीन्स कि सीधा जो हमको म्यूटेशन डिटेक्ट हुआ है उसको टारगेट किया जाए और कम से कम साइड इफेक्ट द्वारा मैक्सिमम इफेक्ट की तरफ जाया जाए। नाउ इन दिस मॉडर्न एरा वी हैव ओरल पिल्स टारगेट थेरेपी अवेलेबल है, जिसको हम EGFR anti-EGFR TKI बोलते हैं या फिर ALK inhibitors बोलते हैं। ये गोली है जो रोज़ाना एक गोली खानी है और काफ़ी हद तक पेशेंट को सिम्टम फ्री लाइफ और प्रोलॉन्ग लाइफ दी जा सकती है। सबसे रिसेंटली इम्यूनोथेरेपी का डिस्कवरी हुई है, जिसके द्वारा अपनी बॉडी की इम्यून सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाकर कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम किया जाता है, जिससे सबसे लीस्ट साइड इफेक्ट के द्वारा हम मैक्सिमम गेन अचीव कर सकते हैं। इसके अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो ऐसा क्या बचाव है इसका कि जिससे हम लंग कैंसर से बच सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं? फोर एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ प्रिवेंशन इज क्विटिंग द स्मोकिंग। इस धूम्रपान से दूर रह के हम काफ़ी हद तक अपने आप को और अपने परिजनों को भी लंग कैंसर से प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। तो यदि आप घर में धूम्रपान करते हैं तो आपके जो बच्चे और महिला हैं जो उस धुएं को सेवन कर रही है, उससे भी उनको लंग कैंसर के होने की संभावना होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम स्मोकिंग या उससे रिलेटेड पदार्थों का सेवन करने से बचें। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि फैक्टर है कि प्रिवेंशन के लिए कि यदि हम पहले या कोई भी व्यक्ति पहले लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है तो उसको स्क्रीनिंग मेथड्स की तरफ जाना चाहिए। स्क्रीनिंग गाइडलाइंस जो कि बोलती है कि अगर कि कोई व्यक्ति 30 पैक ईयर्स, दैट मीन्स के 30 साल से स्मोकिंग कर रहा है और रोज़ एक बंडल सिगरेट या बीड़ी का सेवन करता है, जिसकी उम्र 55 से 75 वर्ष के बीच में है, उनको लो डोज सीटी स्कैन के द्वारा हम अर्ली स्टेज में लंग कैंसर का पता लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अर्ली डिटेक्शन इज द मेन गोल विच वी कैन अचीव बाई फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ पेशेंट। तो अगर अर्ली स्टेज में कैंसर का पता लगा लिया गया तो उसको सर्जरी रेडियोथेरेपी के द्वारा हम काफ़ी हद तक उसको कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लंग कैंसर से रिलेटेड जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सर हमारे दर्शकों को लंग कैंसर के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। उम्मीद करता हूँ लोग ये वीडियो को पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।